Hello children, welcome to ASA Education. Today we will do Lifelines of National Economy from Contemporary India Part 2, Grade 10 CBSE. We use different materials and services in our daily life. Hum apni rozmarra ki zindagi mein alag alag tarike ke materials aur services ka istemal karte hain. Some of these are available in our immediate surroundings while other requirements are met by bringing things from other places. कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें हमारे आसपास ही बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, पर कुछ ऐसी जरूरतें होती हैं जिनको पूरा करने के लिए हमें चीजों को अलग अलग जगहों से मंगाना पड़ता है. Goods and services do not move from supply locals to demand locals on their own. चाहे goods हो चाहे services, वो अपने आप जो जहाँ सप्लाई करने वाला एरिया है और जहाँ उसकी डिमांड है उस एरिया में अपने आप नहीं मूव कर जाती. द मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द सप्लाई लोकेशंस टू द डिमांड लोकेशंस नेसेसिटीज द नीड फॉर ट्रांसपोर्ट. अब यही जो मूवमेंट होता है गुड्स और सर्विसेज का, एक सप्लाई लोकेशन से डिमांड लोकेशन तक पहुँचाने का, यहीं पर किस चीज की जरूरत पड़ती है? ट्रांसपोर्ट की. कैसे वो सामान जहाँ से मिल सकता है हमें और जहाँ उसकी जरूरत है वहाँ कैसे पहुँचेगा, तो उसको पहुँचाने के लिए हमें क्या चाहिए है? ट्रांसपोर्टेशन. सम पीपल आर एंगेज इन फैसिलिटेटिंग दीज मूवमेंट्स. अब कुछ लोग जो है इन्हीं मूवमेंट्स को काम करने का या इन्हीं मूवमेंट्स को आगे बढ़ाने का काम करते हैं. दीज आर नोन टू बी ट्रेडर्स हु मेक द प्रोडक्ट्स केम टू द कंज्यूमर्स बाय ट्रांसपोर्टेशन. अब ये वो ट्रेडर्स हैं जो सामान है यानी जो प्रोडक्ट है उसे इस्तेमाल करने वाले यानी कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू. दस द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज देयर मूवमेंट ओवर स्पेस. अब ये जो हमारी कंट्री का डेवलपमेंट है या कोई भी कंट्री हो उसका डेवलपमेंट किस पर डिपेंड करता है? कि जो भी गुड्स या सर्विसेज बनते हैं या होते हैं उनके ऊपर, साथ ही साथ उनका किस तरह से मूवमेंट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे, उस पर जो है डिपेंड करता है. देयरफॉर एफिशिएंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट आर प्रीरिक्विस्ट फॉर द फास्ट डेवलपमेंट. इसीलिए एक बहुत ही असरदार और जरूरी ट्रांसपोर्ट की जरूरत है या एक अच्छे ट्रांसपोर्ट की जरूरत है अगर हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो बहुत फास्ट लेवल पे हो. मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ओवर थ्री इंपॉर्टेंट डोमेन्स ऑफ अवर अर्थ, लैंड, वाटर एंड एयर. अब ये जो मूवमेंट होता है गुड्स और सर्विसेज का, ये बेसिकली अर्थ के तीन मेन हिस्सों पर होता है. कौन कौन से है वो? लैंड है, वाटर है और एयर है. बेस्ड ऑन दीज ट्रांसपोर्ट कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इन टू लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट. अब इसी के आधार पर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी हम तीन भागों में बांट सकते हैं, एक लैंड के लिए, एक वाटर के लिए और दूसरा है एयर के लिए. फॉर अ लॉन्ग टाइम ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट वर रिस्ट्रिक्टेड टू अ लिमिटेड स्पेस. काफी लंबे समय तक ऐसा हुआ कि जो ट्रेड है या जो ट्रांसपोर्टेशन है ये एक बहुत जैसे कहते लिमिटेड स्पेस के लिए ही बंधा हुआ था कि इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते. विद द डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी द एरिया ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडेड फार एंड वाइड. पर जैसे जैसे साइंस का डेवलपमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, उससे जो एरिया था ट्रेड और ट्रांसपोर्ट का वो भी जो है अब काफी हद तक बढ़ने लगा, फैलने लगा और दूर दूर तक जाने लग गया. टुडे द वर्ल्ड हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ लार्ज विलेज विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंट एंड फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट. आज की डेट में देखा जाए तो जो पूरी दुनिया है वो एक बहुत बड़े विलेज यानी गांव में कन्वर्ट हो गई है जहां पर एक बहुत ही असरदार और जल्द मूव करने वाला ट्रांसपोर्ट है. ट्रांसपोर्ट हैज बीन एबल टू अचीव दिस विद द हेल्प ऑफ इक्वली डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम. अब ये ट्रांसपोर्ट जो है इस तरह से कैसे अचीव कर पाया? क्योंकि यहाँ पर एक कम्युनिकेशन सिस्टम जो था वो भी साथ साथ डेवलप हो रहा था. दस ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. इसीलिए हम कह सकते हैं कि चाहे ट्रांसपोर्ट हो, कम्युनिकेशन हो या ट्रेड हो, ये तीनों के तीनों जो है एक दूसरे के लिए बहुत कॉम्प्लीमेंट्री है. कॉम्प्लीमेंट्री से मतलब ये हो गया कि ट्रेड जो है तभी इफेक्टिव होगा जब ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट तब अच्छा चलेगा जब कम्युनिकेशन होगा, और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन होगा तो ट्रेडिंग बहुत अच्छी होगी. टुडे इंडिया इज वेल लिंक्ड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिस्पाइट इट्स वास्ट साइज, डाइवर्सिटी एंड लिंग्विस्टिक एंड सोशियो कल्चरल प्लुरालिटी. अभी आज की डेट में जो इंडिया है वो जितनी भी दुनिया है उससे बहुत अच्छे से कनेक्टेड है. जबकि इंडिया बहुत बड़ा है, बहुत अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, लैंग्वेजेस बोलते हैं, या यहाँ का जो सामाजिक और कल्चर है लोगों का है वो बहुत ही भिन्न है.
railway, airways, waterways, newspapers, radio, televisions, cinema, internet, etc. have been contributing to its socio-economic progress in many ways. जो भी railways हैं, airways हैं, waterways हैं, newspapers हैं, radio, television, cinema हो गए या internet, ये सब के सब जो हैं, इस progress को बढ़ाने में एक सहायक हैं. और कई तरीकों से the trades from local to international levels have added to the vitality of its economy. और ये जो trading हो रही है, अब local खाली एक अपनी ही country में नहीं, बल्कि हमारा सामान बाहर भी जाता है, तो उससे क्या है कि हमारी economy में और ज़्यादा, जैसे कहने ये चार चांद लग रहे हैं उससे. It has enriched our life and added substantially to growing amenities and facilities for the comforts of life. अब इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो जिंदगी है वो काफी खुशनुमा हो रही है, बढ़ावा हो रहा है इसमें, प्रोग्रेस हो रही है. साथ ही साथ जो भी क्या कहते हैं हमारी बेनिफिट चाहिए, हमारी कंफर्ट चाहिए एक लाइफ को, उसकी सारी की सारी जो सुविधाएं हैं वो हमारे को प्रोवाइड कराई जा रही है, साथ ही साथ वो और बढ़ रही है. In this chapter, you will see how modern means of transport and communication serve as the lifelines of the nation and its modern economy. अब ये वाला जो चैप्टर है, इसमें हम मेनली क्या देखेंगे कि किस तरीके से ये जो मॉडर्न आधुनिक ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है, ये हमारे नेशन की एक लाइफलाइन की तरह है, जीवन रेखा की तरह है, और चाहे हमारे नेशन के लिए हो या उसकी मॉडर्न इकोनॉमी के लिए, दोनों के लिए एक तरह से जीवन रेखा काम करता है. It is thus evident that a dense and efficient network of transport and communication is a prerequisite for local, national and global trade of today. इससे ये बात बिल्कुल तरह से साबित हो जाती है कि पूरी तरह से गहनता के साथ और efficiently ये जो network है transport और communication का, एक बहुत important condition है local, national और global trade के लिए आज के समय में.